ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यहां एक हत्या हो गई है। अब बिहार में आए दिन जान एक टॉफी के समान हो गई है, किसी की जान ले ली जा सकती है, ये बिहार है। कहीं ना कहीं दर्द होता है तो आना पड़ता है और उस दर्द को दिखाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दिव्यांग। ऐसी घटना को आपके सामने साबित करूंगा कि आप भी दंग हो जाएंगे। अभी एक आग बुझी नहीं थी बिहार की, आरती और छोटू की, तब तक दूसरी आग फिर लग गई और धधक रही है और अब तक इंसाफ नहीं मिला। कब मिलेगा इंसाफ, ये जितेंद्र जानना चाहता है। आप देख रहे हैं मैं पहुंच चुका हूं उस शख्स के पास, पंकज। पंकज का गुनाह यही है कि उसने प्यार किया था। पंकज का गुनाह यही है, उसे फांसी पर लटका दिया जाता है, उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है, क्योंकि उसने इश्क किया था। यही गुनाह है साहब, और कोई गुनाह नहीं है। आप देख लीजिए, पिता की उम्र 50 से नीचे है, पार भी नहीं है। इकलौता इकलौता पुत्र था वो पंकज, और प्यार किया, प्यार किया और उसे मौत की सजा मिली। पिताजी हैं उनके साथ साथ, अब इनसे ही जानते हैं क्या है ये घटना। जिस तरह से हुई है बड़ा निंदनीय है, लेकिन आपको कब पता चला? ये जब गाना दोनों मिल के बना रही थी और जब गाना जो है से निकला इसका मोबाइल पर, तब मेरे जो एक दो लेबर मेरे साथ काम करती थी वो बताई कि आपकी लड़का की गाना है, गाना निकाला होगा। जो हाँ निकाला होगा मुझे पता नहीं है। उसके बाद घर आए तो पता चला जो हाँ गाना निकाला है, इसके बाद ही हमको जानकारी हुई थी। चलिए, मैं जानता हूँ कहीं ना कहीं गलतियाँ, बेटा मैं भी कहीं गलती करता हूँ तो हमारे पिताजी समझाते हैं। कहीं ना कहीं आपको भी इस बात का खबर रहा होगा कि पंकज मेरा बेटा है, किसी से प्यार करता है, फिर ऐसा कुछ खबर था कि नहीं आपको? ये गाना निकालने के बाद ही पता चला जो लड़की गाना लिखती है, ये गाती है और अपन अपन सब जो है चैनल बनाने की कोशिश करती है। तो अगर देखा जाए इस घटना को लेकर, फांसी की तरह लटका दिया गया था, इस बात से आप अवगत हैं? तो जिस वक्त ये गए, रात को निकल के गए, बता के नहीं गए? मेरे बता के नहीं गए थे, लेकिन उसका लड़का जो है अवधेश राय की लड़का, वो बुला के ले गया था, कहा कि जो चलो कहूँ थोड़ा सा। अवधेश कौन है? या अवधेश कौन है? लड़की की बाप है। अच्छा, लड़की का बाप है। जी, तो बुला के ले गया। हम कहे चलो ये सब गाना का तैयारी करता है तो हो सकता है कहूँ ले गया होगा, जी चलो कोनो प्रोग्राम में थोड़ा सा इजी करेंगे, इसको ट्रेंड करेंगे, इसी मौके से छोड़ दिए। कितने आपके बेटे बेटी कितने हैं? चार लड़की हैं, एक लड़का है। एक लड़का, वही पंकज जी थे? पंकज जी थे। इकलौता थे आप? थे जी। आज चार लड़कियां हैं, एक लड़के थे। जिस तरह से दर्द, मैं समझ सकता हूँ एक पिता का दर्द रोता नहीं है, लेकिन दिल इतना रोता है, इतना रोता है कि कहा नहीं जा। अब तक अगर देखा जाए तो इसमें शासन प्रशासन कहाँ तक क्या किया है? अभी तक प्रशासन कुछ नहीं किया। जिस दिन हम केस लिखाए, FIR कराए जी, उस दिन जो है से उनकी लड़की को माँ भी थी, लड़की भी थी, उनको हम पुलिस प्रशासन से कहे जी इसको रेस्ट किए, लेकिन वहाँ का ग्रामीण उसको अपनी ताकत की बलत पर रेस्ट नहीं करने दिया। क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि आपको इंसाफ मिल पाएगा प्रशासन से? मुझे नहीं अंदाजा है जो इंसाफ मिलेगा, सब पैसे पर बिका जाता है, पैसे पर सब। अच्छा, आप एक पिताजी हैं, कहीं ना कहीं आपको एक शक क्या है? शक के आधार पे अगर देखा जाए तो किस पे आपको शक है? अवधेश राय पर शक है, पूरे परिवार पर। पूरे परिवार जी, कारण जो है वो जो है 4 तारीख को उनकी पत्नी हमको धमकी भी दी थी। अच्छा, उनके कितने मरने के कितने दिन पहले? लगभग 11 तारीख की रात में घटनी हुई थी और 4 तारीख को मुझे धमकी दी थी। क्या धमकी में क्या उन्होंने बोला? जी, अपना लड़का को संभाल लो नहीं तो हम हत्या करवा देंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। जी, तो हम उस पर बोले जो हम ठीक है, लड़का काम पर से आ रहा है तो उसको हम कहेंगे जी गाना ताना वाला मामला छोड़ो और अपना उससे दोस्ती। ये नहीं बताई कि मैं क्यों उसकी हत्या कर, ये नहीं बताई नहीं। एक होता है ना, किसी भी कार्य के पीछे एक कारण होता है। जी, जी। आप भी अवगत हैं इस बात जी। तो उस कारण में आपको कारण नहीं बताएगा, सिर्फ ऑन द स्पॉट अगर मैं कह दूं कि आपकी हत्या कर दूंगा, ऑन द स्पॉट कारण तो होना चाहिए ना। फांसी पे लगाने से पहले उसको बताया जाता है कि बेटा तूने गुनाह किया है। जी, जी। आप भी इस बात से अवगत हैं। अगर शासन प्रशासन, अगर हमारा वकील जजमेंट करता है, जब वकील के आधार पर, सबूत के आधार पे ही वो जजमेंट करता है, ऐसे जजमेंट नहीं करता है। दूसरी चीज मैं बता दूं, अगर उसे फांसी दी जाती है तो बताया जाता है कि बेटा आपने गुनाह किया, तो कैसे उन्होंने कह दिया कि आपकी हत्या? आपका बताया नहीं कि मैं कौन सा गुनाह किया? हम भी उतना नहीं पूछ सके क्या हुआ नहीं हुआ, और वो इतना ही बोलते जो है
कहा जो अपना, हम कहे ठीक है लड़का आ रहा है, हम पूछेंगे और उसको हम कहेंगे जो गाना ताना वाला मामला छोड़ दो, कहें जो वो यादव है, हम गरीब आदमी है, हम कभी कोई नो बात होगा तो हम उन्हें नहीं सकेंगे। चार तारीख को आपको बताया जाता है, 11 तारीख को बच्चे की हत्या कर दी जाती है। लोग मजाक में ले लेते हैं, जैसे इन्होंने भी मजाक में ले लिया होगा। चलो कोई कहने वाले तो बहुत लोग हैं, कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, लेकिन ये कभी कभी सपने में नहीं सोचे होंगे कि जिसने कहा है कि मैं आपकी हत्या कर दूंगी, 11 तारीख ठीक 4 दिन बाद 6 दिन बाद उसकी हत्या कर दी जाती है, ये सच्चाई है। अब तहकीकात यहाँ है कि पुलिस प्रशासन अब तक कुछ नहीं किया। पप्पू यादव यहाँ के अगर देखा जाए तो गरीबों के मसीह। अच्छा क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं शासन प्रशासन से जो उम्मीदें थी, जिस तरह से आपने FIR दिया है, उस FIR में क्या दर्ज करके दिया है? उसकी अवधेश राय का नाम है, उनकी पत्नी का नाम को जानकारी नहीं है, उनकी पत्नी का नाम है और एक दो लड़की का नाम है, एक लड़का का नाम है, परिवार उसका पूरा परिवार, पांच लोग पांच लोग। लड़की अगर देखा जाए, अगर लड़की की बात कर लिया जाए, कहता था कि 6 महीने से वो लड़की का बयान आ रहा है कि मैं 6 महीने से पंकज से प्यार करती थी, सोनी नाम है लड़की का। तो कहीं ना कहीं लड़की क्या लगता है कि आपके पक्ष में है वो अपने घर में है? वो दबाव की ऊपर जो है से उनकी पक्ष में है। अच्छा, वो खुलना चाहता है लेकिन उस पर इतना दबाव है जो बोलना नहीं चाहती, बोल नहीं पाती है जी। तो पंकज के लिए कुछ बोलती है? हाँ बोल देता हूँ। 6 महीने से अगर देखा जानकारी है, 6 महीने, 6 महीने में एक बार भी आपको नहीं पता चला कि लड़की से मतलब इस तरह से टाई अप चल रहा है? नहीं नहीं, वो जब गाना निकाला था तब मुझे पता चला था, गाना निकाला। आप देख सकते हैं लड़की का पूरा परिवार जानता है, माँ भी जानता है, बड़ी बहन भी जानता है, जिसको वीडियो कॉलिंग पर बड़ी बहन जो है बातचीत किया है, वो हम वीडियो कॉलिंग रखे हुए हैं, जो अभी हम ये पूरे अथी में नहीं दे रहे हैं। जब पूरे हम पर अथी होगी तो हम कोर्ट में सारा रिकॉर्डिंग को चालू करेंगे। और लड़की अभी झूठ बोलती है, वो सिंदूर भी किए हुए हैं, साड़ी पहन के मेरे रिकॉर्डिंग में है और ये बात की, अभी हम वो चीज को रखे हुए हैं अभी, मतलब सारा प्रक्रिया हो चुका था। हाँ जी, जैसे भी हुआ था लेकिन हो चुका था, हो चुका था। और उनकी बाप भी जानती है इस बात को, बड़ी बहन भी जानती है, वीडियो कॉलिंग बात भी किए हैं और मीडिया लोग उनको पूछते हैं बड़ी बहन से, तो कहती है कभी हमसे बात नहीं हुई है, लेकिन उनको नंबर भी हम वीडियो कॉलिंग से निकाले हैं, जो नंबर हम दिए हुए हैं कुछ मीडिया लोग को, जो उनको घर पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन अब वहां क्या कही नहीं कही से हम न्यूज नहीं देखे हैं, जानकारी मिली है। और जिस तरह से देख रहे हैं गाँव वाले भी हैं, गाँव के लोग हैं, पंकज क्या था, पंकज कैसा था, ये मैं जानना चाहता हूँ, हकीकत पंकज क्या था, गांव के लोग ही बता पाएंगे, गांव के लोग बता पाएंगे कि हकीकत क्या था। आइए थोड़ा माता जी, काहे भाग रही हैं, इसीलिए इंसाफ नहीं मिलता है। अब देख लीजिए, अब मैं इतना दूर से आया हूँ, ये लोग देखिए अभी अभी भाग रहे हैं, इंसाफ मिलेगा कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा। देख लीजिए ये लोग सिर्फ तमाशा देखने के लिए, देखिए चारों तरफ आप देख लीजिए, ये लोग सिर्फ तमाशा देखेंगे लेकिन बोल नहीं पाएंगे कि उनको इंसाफ मिल पाएगा। कहाँ से है माता जी, कहाँ से? यही से है। अच्छा तो पंकज कैसा था? अच्छा, अच्छा लड़का था, ठीक था। आज इस तरह से अगर देखा जाए तो पंकज को इंसाफ नहीं मिल रहा है। आप लोग देख लीजिए, इतने तमाशा देखने के लिए जुटे हैं लेकिन पंकज के लिए कोई बोलने वाला नहीं है। अब देखिए इनकी आंखों से आंसू नहीं थम रहे हैं और क्या बताऊं, सत्य मौत के नाम से रूह कांप जाता है, लेकिन उसको कहें तो किसको कहें, किससे हम कह लें कि क्या है, कैसे है, किस तरह से बताया जाए, आप किसी से कुछ नहीं कर सकते हैं। बताइए क्या नाम है आपका, कहां से हैं? पंकज चाची लगेंगे, उनकी चाची हैं आप, अगल बगल की हैं मतलब। पंकज कैसा था? बहुत अच्छा था लड़का, पहले करता था शिक्षा दीक्षा पढ़ाई कहाँ से पंकज की? पढ़ाई तो पंकज बहुत दिन पहले छोड़ दिया, पेंट का काम करते हैं, पेंट का काम, गरीबी जीव की नाश होती है, गरीबी की वजह से पंकज पेंटिंग का काम करता था। आज पंकज की हत्या कर दी गई, क्यों की गई है? पता नहीं है आपको? अरे अगल बगल वालों को तुरंत पता चल जाता है, तो अगर अभी आग यहाँ लग जाए तो आप पहले आएंगे कि मैं आऊंगा, मैं तो वहाँ से जान के आऊंगा ना कि आग लग गई है, बुरा मत मानिएगा मेरी बात। मम्मी को चाची को भी नहीं कहते हम किसी लड़के से प्यार करते हैं, नहीं मैं ये नहीं कहा कि प्यार के लिए नहीं कहा, मैं ये कहा कि पंकज जो पंकज था आज गुजर गया।